डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से छूटा पाकिस्तान हाई कमीशन का जासूस अफसर, 18 महीने से कर रहा था जासूसी, बाकी दो गिरफ्तार जासूस 12 दिन के पुलिस रिमांड पर। सीमा पार से अब भी जारी है फायरिंग, जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी रेंजर की मौत, एक घायल, बीएसएफ का भी एक जवान शहीद। उरी आतंकी हमले में था लश्करे तैयबा का हाथ, एनआईए सूत्रों के हवाले से खबर, जांच एजेंसी ने खुफिया एजेंसी को कहा पाकिस्तान के गुजरावाला में लगे पोस्टर सबूत के तौर पर लाने के लिए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में नेपाल में एक दिन का राष्ट्रीय अवकाश, प्रचंड सरकार ने की घोषणा, राष्ट्रपति 2 से 4 नवंबर तक रहेंगे नेपाल के दौरे पर। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिया दिवाली गिफ्ट, कैबिनेट ने मंजूर की महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी। हर परिवार को एक सैनिक का घर ढूंढना चाहिए, उसके घर में उनसे मिलकर इस दिवाली पर यदि उनकी कुछ चीज़ की कमी हो तो वो पूरी करनी चाहिए, हो सके तो उनके साथ मिलकर दिवाली का त्यौहार मनाएं।